अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, मैं सेटअप के ऊपर आ चुका हूँ और हमने जो है मुर्गियों को वहाँ पे दाना पानी पे लगा दिया। कुड़क मुर्गियाँ भी हमारी वहाँ खुली हुई, जो ही वो खाना खा लेंगे तो उनको भी हम बंद कर देंगे। और हमारे यहाँ पे दुम्बे जो है आप देख सकते हैं, ये भी खाने पर लग चुके हैं। सेटअप के सारे कारपेट भी मैंने ऊपर कर लिए हैं। तो दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। तो आइए इस वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं, चलते हैं। दोस्तों, आपको जो है हमने सेटअप की बिल्डिंग प्रोग्रेस दिखाए हैं सबसे पहले दो, तो हम चलेंगे आज इधर इस वाली फीमेल को देखेंगे दोस्तों कि इसके बच्चे कितने बड़े हो गए। जब हमने तब देखे थे दोस्तों, जब आपको भी दिखाए थे, बहुत छोटे बच्चे थे। चार बच्चे आई थिंक इसके निकले थे और चारों जो हैच हुए थे और छोटे बहुत थे। तो अभी देख रहे थे कितने बड़े हो चुके हैं या सही है या नहीं, तो हर चीज चेक कर लेते हैं। अभी बच्चे में देखेंगे दोस्तों, सब पता चल जाएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह दोस्तों, दो बच्चे तो ये रहे हैं और दो बच्चे हो रहे हैं जी। माशाल्लाह दोस्तों, चार बच्चे उसके माशाल्लाह सही है, बिल्कुल 80 की ग्रोथ में जा रहे हैं। हेल्दी और एक्टिव बच्चे लग रहे हैं दोस्तों माशाल्लाह से। ये देखें दोस्तों, पेयर भी बैठा हुआ है सामने ही। और दोस्तों, दो बच्चे जो हमारे ग्रीन लबड़ के हैच हुए हैं और दो बच्चे जो हमारे लुटीनों के हैच हुए हैं दोस्तों। माशाल्लाह आप देख सकते हैं, बच्चे जो है बहुत ही अच्छी ग्रोथ में जा रहे हैं दोस्तों। तकरीबन लुटीनो जो एक हमारा ज्यादा बड़ा हो गया, बाकी तीन बच्चे जो है एक टाइप के, ये हमारा लुटीनो जो है ये थोड़ा सा बड़ा है। तो कोई मसला नहीं दोस्तों, माशाल्लाह फीड जो है फीमेल सबको इक्वल करा रही है और अच्छी करा रही है। तो हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हमारे बच्चे को जो है कम फीड मिलेगी छोटे वालों को या बड़ा वाला ज्यादा खा लेगा, ऐसा कोई सीन नहीं है। इंशाल्लाह सब जो है इक्वली फीड खा रहे हैं, जिस हिसाब से लग रहा है दोस्तों। माशाल्लाह सारे बच्चे सेहतमंद है, कोई बच्चा कमजोर मुझे नजर नहीं आ रहा दोस्तों। हमारे लुटीनो का बच्चा ये बैठा हुआ है, जिसकी येलो कलर का, ये भी माशाल्लाह हेल्दी और एक्टिव है। और दो बच्चे ग्रीन के जो है वो सामने बैठे हुए दोस्तों, फीमेल की जो उसके आगे बैठे हुए, जो फीमेल है दोस्तों वो पीछे की तरफ बैठी है, मेल जो है वो ये बैठा हुआ। तो चलते हैं दोस्तों अभी सेकंड पेयर की तरफ, जो कि हमने आपको दिखानी है। सेकंड पेयर की ब्रीडिंग प्रोग्रेस भी देखने के लिए निकलते हैं यहाँ से। तो किसकी देखें दोस्तों, इसने दोस्तों अभी एग लेइंग करेगी अभी दोस्तों। ये फीमेल, ये कोई भी नहीं है इसके पास दोस्तों। इसने अंडे दिए हुए हैं और दोस्तों इसने भी एग लेइंग की हुई है। और इस वाले पेयर ने भी दोस्तों मेरे ख्याल से एग लेइंग स्टार्ट कर दी है। और इस ये बल्कि दोस्तों ये पूरे छह पोर्शन जो है ये सारे ही एग लेइंग के ऊपर आए हुए हैं, जैसा कि दोस्तों आपको नजर आ रहा होगा। नीचे वाले दो जो है हमारे, इन्होंने जो है अभी एग लेइंग कर दी होगी या कर रहे होंगे दोस्तों। माशाल्लाह इसके अंदर भी हमारे जो है पेयरिंग सेट हो गई है। इसके अंदर भी हमने टूटे टूटे पेयर डाले थे जो कि हमें सेट करने थे। तो माशाल्लाह दोस्तों, अब जो है मुझे लग रहा है कुछ पेयरिंग सेट हुई है इसके अंदर दोस्तों। एक ये बैठा हुआ, इसमें तकरीबन दोस्तों मैंने 7 पीस छोड़े जिसमें से दोस्तों 3 फीमेल और 4 मेल है, ताकि जो जो पेयरिंग बनना होगा बना लें। तो उसके बाद जो एक्स्ट्रा मेल होगा मैं उसको निकाल के अलग कर दूँ। तो दोस्तों बात ये थी कि हमें जाना है सबसे पहले अपनी ब्रीडिंग प्रोग्रेस की तरफ। तो जी हाँ दोस्तों, इसको देख लेते हैं। इस वाली फीमेल ने जो है दोस्तों एग लेइंग तो की भी और इसके बच्चे भी अब हैच होने वाले हैं। तो चेक करते हैं इसके बच्चे हैच हुए कि नहीं बच्चे। माशाल्लाह दोस्तों, ये फीमेल जो है बहुत ही कूड़ा कोके बैठी हुई, आप देख सकते हैं दोस्तों अंडों के ऊपर, अंडों पर इनकी वेट कर रही है, दिखा हमें बिल्कुल भी नहीं रही। ये देखें दोस्तों, माशाल्लाह हमें फीमेल अंडे दिखा नहीं रही है, लेकिन ये पीछे आपको अंडे नजर आ रहे होंगे। थोड़ा सा मैं मट्टी को हिलाता हूँ ताकि फीमेल जो हटे और हमें हमारे बच्चे अंडे नजर आए दोस्तों। अभी बच्चे जो है हैच हुए नहीं हुए, अभी मुझे भी अंडे ही नजर आ रहे हैं। देखें दोस्तों, 1, 2, 3, 4 अंडे मेरे ख्याल से फीमेल ने दिए और चारों माशाल्लाह फर्टाइल है दोस्तों। कल जैसा कि मैंने आपको बताया था, अंडे फर्टाइल चेक करने का तरीका क्या होता है, तो दोस्तों आप सामने देख सकते हैं कि अंडे में जो है दोस्तों एक अलग सी शाइनिंग है और अंडे जो है दोस्तों एक अलग ही व्हाइट बनाया हुआ है अंडों के ऊपर। तो दोस्तों इससे पता चलता है कि ये बच्चे अंदर सब अंडों में हैं और सारे अंडे हमारे माशाल्लाह फर्टाइल हैं, कोई अंडा खराब नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये हमारा एक कॉमन लुटीनो है और ग्रीन लवबर्ड का मेल है। तो माशाल्लाह दोस्तों, इन्होंने एक लेइंग करी है और बहुत ही अच्छे मतलब के अंडे वगैरह भी दिए। तो अब दोस्तों हमारी कुड़क फीमेल से जो है खाना वाना खा लिया, तो इनके जो है मैं ढक्कन वगैरह खोल देता हूँ ताकि जो है फीमेल जो है अपनी जगह पे जाना स्टार्ट कर दें। ये देखें दोस्तों, ये ढका हुआ था जिसकी वजह से अभी हमारी फीमेल अंदर नहीं जा पा रही थी। अब मैं इसको खोल देता हूँ।
दोस्तों सारे ढक्कन मैंने उठा दिए, अब फीमेल्स आएंगी कोड़क वाली और वो खुद जा जाकर अपनी जगहों पे बैठती चली जाएंगी। तो अब चलते हैं दोस्तों अपने पिजन को खोल देते हैं। दोस्तों हमने जो है अपने पिजन के पाँव में जो है ये सनसन डाल दिए, ताकि दोस्तों जो ही ये थोड़ी सी फ्लाई करेंगे तो आप देखिएगा कितनी प्यारी आवाज़ आएगी। ये देखें दोस्तों फीमेल ये लोग जब चलेंगे दोस्तों तो बहुत ही अच्छी एक साउंड आ रहा है। तो माशाल्लाह दोस्तों मुझे तो बहुत अच्छा लगा था, जिसकी वजह से ये परचेसिंग की और इसको जो है हमने इनके पाँव में डाल दिया। दोस्तों ये देखें मेल के पाँव में भी डाला और फीमेल के पाँव में, दोनों के पाँव में डाला। दोस्तों अभी थोड़ा सा ये लोग परेशान हो रहे, लेकिन जो है इनको आदत हो जाएगी इस चीज़ की। ये देखें दोस्तों फीमेल को, दोस्तों अभी हमारी मुर्गियाँ जो है बर्दाश्त नहीं कर रही, क्योंकि आपको पता है कि पहले हमारा दोनों मेल थे तो वो एडजस्ट हुए थे सेटअप के ऊपर, और फीमेल जो है उन्होंने मारना भी कम कर दिया था, लेकिन अभी जो ही ये नई फीमेल आई है तो इसको जो है अभी हमारी मुर्गियाँ एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं। तो इंशाल्लाह दोस्तों इनकी भी दोस्ती हो जाएगी हमारी मुर्गियों से। दोस्तों जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा, अभी जो है थोड़ा सा ये अपने इनकी चूड़ियाँ जो पहनाई है दोस्तों मैंने, उससे अभी थोड़ा परेशान हो रहे, लेकिन ये है कि एक से दो दिन में जो है ये इस चीज़ से यूज टू हो जाएंगे और फिर हमारे पिजन्स जो है बिल्कुल भी तंग नहीं होंगे इंशाल्लाह। तो दोस्तों अभी इनको मैंने खोला है ताकि जो है ये थोड़ा सा अपने परिसर खोल लें। आप लोग भी देख रहे हैं दोस्तों माशाल्लाह हमारा पेयर जो है मेरे ख्याल से सेट हो चुका है, क्योंकि मेल जो है इसके पीछे पड़ चुका है, गुटन को करता रहता है। दोस्तों इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारे सेटअप पे इनके अंडे आ जाएंगे, तो जो कि आपको भी देखने को मिलेंगे, और इनकी ब्रीडिंग प्रोग्रेस दोस्तों आपके साथ शेयर करेंगे लाजमी। दोस्तों ये देखें हमारे माशाल्लाह चूजे जो कि यहाँ पे सारे खुश हैं। दोस्तों अभी हम जो है सबसे पहले अपने दो बड़े चूजे जो है उनको खोल देते हैं, ताकि वो जो है यहाँ पे खुशी खुशी रहें। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको दिखाऊं, दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि हमारे चूजे का मुंह जो है दोस्तों कैसा अजीब सा ही हो गया, बच्चा कल हो गया। दोस्तों इसकी वजह ये है कि इसने जो है दोस्तों अपने से जो बड़े चूजे दोस्तों वो सामने आपको चूजा नजर आ रहा होगा दोस्तों, ये वाला इसका भी मुंह गंदा हो रहा है। दोस्तों इन दोनों की जो है अच्छी खासी लड़ाई हुई है मेरी गैर मौजूदगी में। जब मैं आया दोस्तों इसका मुंह पूरा लाल खून से लथपथ था, लेकिन ये है कि अब बच्चा जो है बहुत ही हमारा असील चीज जो है बहुत ही ज़्यादा अब रिकवरी की तरफ है। दोस्तों मैंने इसको जो है दवा उसी वक्त ही लगा दी थी फ़ौरन से, ताकि हमारा बच्चा रिकवर हो जाए। दोस्तों इन दोनों ने जो है खुल के अकेले में दोस्तों जितनी लड़ाई कर सकते थे दोस्तों ये फाइट कर सकते थे इन्होंने की, लेकिन दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा ये वाला सिल का बच्चा अब बेहतर लग रहा है मुझे। दोस्तों कल जो है ये बहुत डर गया था कि इसके साथ क्या हुआ, इसको खुद नहीं पता था, लेकिन अब दोस्तों ये बहुत ज़्यादा रिकवरी की तरफ है। तो मैंने वाला आपको भी बता दूँ दोस्तों, इसके बाद ये सीन हो चुका है। तो अब चलते हैं दोस्तों अपने चूजों की तरफ, जो कि हम देख लेते हैं उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है कि नहीं। दोस्तों बल्कि फीड निकाल ही लेते हैं, ताकि अपने चूजों को फीड हम डालते हैं, क्योंकि हमारे चूजे फीड खाएंगे, अभी उनके पास कुछ होगा नहीं सुबह के लिए। माशाल्लाह दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे चूजे अब बहुत ज़्यादा रिकवरी की तरफ आ चुके हैं। दोस्तों अब चूजा कोई भी बीमार अलहमदिल्ला इसके अंदर नहीं है। फीड डाल दिए दोस्तों मैंने, पानी जो इनके पास रखा हुआ ये। दोस्तों अब आप भी देख सकते हैं चूजा, आपको इंशाल्लाह कोई इसके अंदर बीमार या सुस्त नजर नहीं आएगा। माशाल्लाह सारे चूजे हमारे हेल्दी और एक्टिव हो चुके हैं। दोस्तों इनके जो है हमें अभी एंटीबायोटिक मैंने स्टार्ट कीजिए, इंशाल्लाह 3 से 5 दिन देंगे, ताकि जो हमारे चूजे रिकवर हो जाएं और वापस से दोस्तों ये हेल्दी और एक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि सुस्त हो गए दोस्तों ये चूजे वहाँ पर, क्योंकि इनकी माँ जो है दोस्तों वो जब पंजों से मारती है बच्चों को, तो उससे जो है बच्चे खराब होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। इस वजह से दोस्तों हम फीमेल से अलग कर देने, उनकी मुर्गियों से अलग कर देने, तो वो हमने गलती करी कि हमने लेट कर दिया दोस्तों मुर्गी से अलग करने में, इसी वजह से जो है बच्चे हमारे थोड़े से खराब हो गए थे, डर गए थे, सहम जाते दोस्तों बच्चे छोटे हैं। अगर दोस्तों बड़ी जगह हो खुले रहें तो फिर मुर्गी जो है कोई मसला नहीं करती, अगर छोटी जगह पे हो और मुर्गी साथ हो तो वो पंजे जब अपना खेलती नहाती है तो फिर बच्चों को जो है ऐसे सीन होता ही है बच्चों के साथ। दोस्तों इस वाले बच्चे को भी चेक करते हैं कि हमारे खाना खाया कि नहीं खाया। तो दोस्तों माशाल्लाह मुझे लग रहा है इसने खाना खा लिया, क्योंकि अभी खाना डला हुआ नहीं है तो इससे ज़्यादा मुझे आइडिया नहीं हो पाएगा, लेकिन इसने जो है मुझे लग रहा है खाना खा लिया। तो अभी मैं इसको चने डाल देता हूँ, ताकि ये खाना अगर नहीं भी खाया होगा तो खा लेगा, तो कोई आगे मसला नहीं होगा। तो आपने बताना है दोस्तों कि इनका जो है हम नाम क्या रखें। अब तो हमारा ये पेयर अब कंप्लीट हो चुका है, अब हमें कोई टेंशन नहीं है कि हमारे सेटअप से अब दोनों इंशाल्लाह नहीं जाएंगे दोस्तों, ये वाले सीजन से अब इंशाल्लाह हमारे सेटअप के ऊपर ही रहेंगे। तो आपने दोस्तों गाइड करना है कि हमें इनका नाम क्या रखूँ, बल्कि दोस्तों मैं इनका नाम रख ही देता हूँ। दोस्तों व्हाइट वाले का नाम मैं स्नो रख देता हूँ, और इसका नाम जो दोस्तों मैं ओरियो रख देता हूँ, क्योंकि इसमें ब्राउन शेड आ रहा है और वो पूरा व्हाइट है। तो इसी वजह से दोस्तों आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है कि आपको ओरियो और स्नो का नाम कैसा लगा। दोस्तों ये वाली हमारी ओरियो हो गई फीमेल, और मेल जो है दोस्तों हमारा स्नो हो गया।
दोस्तों आपने हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है कि हमने इनका नाम कैसा रखा है। अगर आप चाहते हैं कि ये नाम ना हो या चेंज हो तो दोस्तों आपने हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है, तब इनका नाम जो है चेंज कर देंगे इंशाल्लाह। जैसा आप बोलेंगे दोस्तों वैसा ही करेंगे, क्योंकि दोस्तों वीडियो हम बनाते ही आप लोगों के लिए, तो जिसमें आप कुछ तो उसमें हम कुछ। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल में शेयर मिल जाएगा, लाइक लाजमी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। तो दोस्तों आपने हमें उसका नाम लाजमी सजेस्ट करना है, आपने हमें बताना है कि उसका नाम आपको कैसा लगा, या अगर आप चाहते हैं कि चेंज हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएगा तो हम उसका नाम फिर चेंज कर देंगे। तो दोस्तों मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, एक नई टॉपिक, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।